Assalamu alaikum viewers, another episode of owner reviews from PakWheels.com, Pakistan's number one website for buying and selling of cars, bikes and auto parts. Today I am with you again, Zuhaib Sahib. Zuhaib Sahib is working in the finance office and he is very interested in bikes. So with Zuhaib Sahib, we have reviewed Road Prince Vego 150. और आज हमारे पास रोहित साहब एक और नई बाइक इन्होंने ली है, इनको मुबारक हो, इनसे मिठाई भी हमने खानी। हाँ बिल्कुल, तो इनसे पूछते हैं ये कौन सी बाइक है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं। जी बिल्कुल, ये बेनेली कंपनी का बाइक्स है और बेनेली कंपनी की थोड़ी मैं हिस्ट्री आपको बता दूँ तो ये इटली का ब्रांड है। इन्होंने तकरीबन 1912 में बाइक्स बनाना स्टार्ट किए थे और ये सिर्फ बड़े बाइक्स बनाते हैं। इन्होंने एशियन मार्केट में आने से पहले अपना जो मैनुफैक्चरिंग प्लांट है वो चाइना में शिफ्ट कर लिया था कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद इन्होंने इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ में बाइक देना शुरू किए। पाकिस्तान में बुराक ऑटोमोबाइल कंपनी जो है वो इनके बाइक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं और उन्होंने इनिशियली तीन मॉडल इंट्रोड्यूस करवाए थे आज से डेढ़ साल पहले। ये 250 cc का है, 250 cc कैटेगरी का है, 250 cc और इसके बाद 300 cc और 600 cc तीन उन्होंने बाइक्स लॉन्च करवाए हैं। सो ये बाइक कितने का आपने लिया या कितने का ये ब्रांड न्यू बाइक मिलता है? ये ब्रांड न्यू 475 इसकी प्राइस है, तो कैश पे अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको तकरीबन थोड़ा 10,000 का डिस्काउंट भी मिल जाता है। अच्छा, और जो इनके 300 cc वाला बाइक और जो अगले वाले 300 cc जो बाइक है ये नेकेड स्टाइल का बाइक है। 300 cc जो है वो प्रॉपर स्पोर्ट्स शेप का है जिसके साइड में बड़े बड़े से प्लास्टिक के फ्लेयर्स होते हैं, वो 6-10 का मिलता है। और जो 600 cc है वो भी नेकेड स्टाइल का है, वो 11 lakh का मिलता है। ठीक है, और इसी जो बाइक की इसी सीसी रेंज में और पाकिस्तान में कौन से बाइक मिलते हैं? होंडा और सुजुकी भी आप बता रहे थे। जी मैं बता रहा था, होंडा ने भी 250 F लॉन्च किया है, वो तकरीबन 640 cc प्राइस रखी है और वो आपको उनके साथ 680 का तकरीबन पड़ता है। और सुजुकी का भी कितना महंगा हुआ फिर? तकरीबन 2 lakh रुपये, तकरीबन 2 lakh रुपये महंगा होगा। अच्छा, 2 lakh से ज़्यादा ही महंगा पड़ जाता है। उसके अलावा सुजुकी ने इंजुमा लॉन्च किया है 250 cc, वो 6 lakh का है, वो भी इससे तकरीबन 1.25 lakh महंगा है। ठीक है, तो मैं आपसे कल ये सवाल पूछा था यार, 5 lakh रुपए का आपने बाइक क्यों लिया है? इस मतलब इस रेंज में गाड़ी भी आ सकती थी, और दूसरी बात यह है उसका आपने आंसर किया कि मेरे पास 2 गाड़ियाँ पहले ही हैं। जी बिल्कुल, और इस रेंज में कोई 600 cc जिस तरह यामा या R6 होता है उसके पुराने मॉडल या और कोई पुराने हैवी बाइक्स नहीं मिल सकते थे? जो मिल सकते थे थोड़े से पैसे और डाल के 600 cc कोई 12 साल पुराना 600 cc बाइक मिल सकता था आराम से। उनके मसले ये होते हैं, एक तो वो बहुत पुराना मॉडल हो चुका था और वो चले इतने होते हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई इशू लाजमी आपको फेस करना पड़ता है, और अगर आप वो इतने पैसे लगा के भी उसके इंजन में आपने पैसे लगाने तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आप चाहते थे कि ऐसी चीज़ लें नहीं हो और इंजन का काम ना निकले और मुझे आराम से तंग भी ना करे कोई 3-4 साल बाइक को। इस बाइक के क्या की फ़ीचर्स हैं, और साथ ही आपने बताना है कि जो इसी रेंज में जो 2 lakh महंगा बाइक है होंडा का और इसी तरह सुजुकी का 1.25 lakh महंगा बाइक है, उससे क्या फ़र्क है? ये आप बता रहे थे कि इसमें फ़ीचर्स ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले इसके इंजन की बात कर लेते हैं। 249 cc का इंजन है, सिंगल सिलेंडर इंजन है जो DOHC टेक्नोलॉजी का, डुअल ओवरहेड कैम। इसके अलावा जो होंडा और सुजुकी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिंगल ओवरहेड के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें फ़र्क क्या होता है जी सिंगल और डबल ओवरहेड कैम में? इसके जो कैम अंदर कैम होता है वो 2 हैं, उसके अंदर सिंगल कैम होता है तो ये एफिशिएंट ज़्यादा होता है इंजन सिंगल कैम की। अच्छा, इसका जो इंजन को ठंडा करने के लिए टेक्नोलॉजी है वो लिक्विड कूल यूज़ की गई है, जिसके लिए रेडिएटर है, फ़ैन उन्होंने अलग से दिया है, और ये ज़्यादा इंजन जो है इससे इसकी लाइफ ज़्यादा इंक्रीज कर देती है लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी उसमें नहीं है। ऐसे होंडा ने एयर कूल इंजन प्रोवाइड किया और ऑयल कूल भी है, वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, सुजुकी का लिक्विड कूल है। अच्छा जी, उसके अलावा तीनों बाइक्स में एक चीज़ कॉमन है कॉर्पोरेटर, वो EFI है तीनों बाइक्स में। ठीक है, तीनों बाइक्स का जो गेयर ट्रांसमिशन है वो भी 6 गेयर है, फर्स्ट गेयर नीचे लगता है, 5 गेयर ऊपर लगते हैं। एक इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर है साइड स्टैंड, ये साइड स्टैंड पर सेंसर लगा हुआ है, अगर आपकी बाइक स्टैंड पे खड़ी है और आप इसको स्टार्ट करके चलाने की कोशिश करेंगे चलेगी नहीं, बंद हो जाएगी और तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप स्टैंड ऊपर नहीं कर लेते। ये फीचर उन दोनों बाइक्स में मिस है। इसके अलावा इसमें अलहदा से जगह दी हुई है, उन्होंने क्रैश गार्ड आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके इस बाइक की अगर वेट की बात करें तो होंडा का बाइक इससे थोड़ा सा हल्का है और सुजुकी का बाइक जो है वो तकरीबन 20 से 25 kg भारी है। इस बाइक का जो ड्राई वेट है वो पाकिस्तान में जो बाइक प्रोवाइड करेगी इसका ड्राई वेट 145 kg है, लेकिन जब आप इसको चलाएंगे तो आपको फील नहीं होता कि ये 145 kg की बाइक है। इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल बाइक में वो बहुत अच्छा किया है इन्होंने, और इसकी हैंडलिंग भी और मनोवरिंग काफ़ी अच्छी है। टायर जो इसमें प्रोवाइड करवाए गए हैं मेडजर कंपनी के टायर हैं जो बहुत अच्छे हैं, इनकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी होती है और ट्यूबलेस टायर हैं।
होंडा और सुजुकी के टायर से इसके बैक रियर टायर का जो साइज़ है वो बड़ा है दोनों उन दोनों बाइक्स की नस्बत। उसके अलावा इसमें जो इंडिकेटर और टेल लाइट है दोनों में LED यूज़ की गई है और सेंसर इसका स्पोर्ट्स प्रोवाइड कराया गया, इसका साउंड भी बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ अगर हम इसके क्लस्टर मीटर की बात कर लें, इंस्ट्रूमेंटल पैनल की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो RPM मीटर है वो एनालॉग है और स्पीडोमीटर डिजिटल है। स्पीडोमीटर जो है आप उसको माइल्स और किलोमीटर दोनों में अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट कर सकते हैं। क्लॉक दी गई है, फ्यूल की इंडिकेशन मौजूद है और इसमें रिज़र्व और ऑन ऑफ का लीवर नहीं होता EFI किट में, तो जब ये बाइक रिज़र्व पे लगेगा तो यहाँ पे इंडिकेशन आपको आ जाएगी, ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। गियर इंडिकेशन मौजूद है। इसके अलावा इंजन टेम्परेचर यहाँ पे आता है, अगर आपका बाइक जब गर्म होगा तो यहाँ पे आपका इंजन टेम्परेचर भी वो साथ साथ शो करता है। इस बाइक में एक इंजन ऑयल सेंसर भी लगा हुआ है, अगर आपकी बाइक के इंजन ऑयल जिसको मोबिलाइल बोलते हैं अगर वो कम होगा, किसी भी वजह से कम होता है, तो वो यहाँ पे इंडिकेशन के ज़रिए आपको बता देगी बाइक की आपका इंजन ऑयल कम है बाइक में। राइट साइड की बात करें इसमें तो आपको जो गियर लीवर है वो एडजस्टेबल प्रोवाइड करवाया गया है, इसको हल्का सा आगे करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। उसके अलावा जो फीचर्स इसमें राइट ग्रिप में प्रोवाइड करेंगे उसमें इंजन किल स्विच है, हेडलाइट और पार्किंग लाइट को ऑन ऑफ करने का फीचर मौजूद है, सेल्फ स्टार्ट का फीचर मौजूद है। लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड पे जो गियर लीवर है वो क्लच लीवर है वो सिंपल है, डिपर की ऑप्शन मौजूद है, हेडलाइट ऑन हेडलाइट लो और हाई करने की ऑप्शन मौजूद है, इंडिकेटर्स की ऑप्शन मौजूद है और हॉर्न की ऑप्शन मौजूद है। सो अगर एक समरी दे देंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके कंपेटिटर्स में नहीं है और इसमें हैं? इसके जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने जो प्राइस दी है उसके उसके लिहाज से अगर इस बाइक में देखा जाए तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। एक तो इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, इसमें टायर उन दोनों से ज़्यादा अच्छे प्रोवाइड करवाए गए हैं। फीचर्स इसके अंदर जिस तरह साइड स्टैंड सेंसर है, एक्स्ट्रा फीचर है, DOSC इंजन है इसका, उनके सिंगल ओवरहेड कैम इंजन है। और उसके अलावा अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बाइक की। सिर्फ मुझे वैसे बाइक देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त है, सिर्फ मुझे ये इसकी जो नंबर प्लेट लगाने वाली जगह ये ना थोड़ी सी बड़ी, ये बाइक जिस भी कंट्री में लॉन्च हुआ है उन्होंने नंबर प्लेट की जगह यहीं पे दी है और दूसरी बाइक्स में नंबर प्लेट की जगह यहाँ पे नहीं होती, यहाँ तो वो लाइट पे स्टिकर लगाते हैं या फिर साइड पे लगती है। उसमें आपको पाकिस्तान में पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं, वो तो सीधा चालान कर देते हैं क्योंकि उनको एक बहाना मिल जाता है कि नंबर प्लेट आपकी फ्रंट पे नज़र क्यों नहीं आ रही। उस लिहाज से ये पाकिस्तान की एनवायरनमेंट के लिहाज से ये अच्छी फीचर है। अच्छा तो ये तो की फीचर्स हो गए, इसके फ्यूल एवरेज की बात करते हैं, ये कितना करती है एक किलोमीटर में? EFI होने की वजह से इसकी फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छी है, ये तकरीबन 30 प्लस करती है। अच्छा। और चलाने पे डिपेंड करता है, अगर आप तेज चलाएंगे तो 29-30 तक दे देती है, ऐसा चलाएंगे तो 30 प्लस। रेलेवेंस इस वाले कि आपको ये चलाया कितना अभी तक आपने? मैंने इसको 500 किलोमीटर चला लिया तकरीबन। अच्छा, और कितना अर्सों के लिए? मुझे भी तकरीबन एक माह हो गया। सही है। अच्छा, इसकी कंफर्ट की बात करते हैं, जिस तरह आपने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि जी इसमें बोस वाले में ओवरहेड कैम शाफ्ट है तो कोई वाइब्रेशन नहीं होती है, और उसका शॉक भी आपने कहा था नाइट्रोजन फिल्ड उसके शॉक्स थे, अगर मैं सही मुझे याद जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसकी कंफर्ट कैसी है खासतौर पर पाकिस्तान में जहाँ अक्सर खड्डे भी होते हैं सड़कों में? इसकी कंफर्ट उससे ज़्यादा बेहतर है। इसके जो फ्रंट पे फोक्स प्रोवाइड करवाए गए हैं इनको अपसाइड डाउन फोक्स कहते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में इसको आप इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फोक भी कह सकते हैं। इसका जो मोटा पार्ट है वो ऊपर है और दूसरा जो पतला पार्ट होता है वो नीचे होता है, ये उस फोक से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं और ये मजबूत भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी बैक पे मोनोशॉक दिया गया है, एक शॉक है जो एडजस्टेबल है। तो मोनोशॉक वाली बाइक्स जो हैं वो इन टर्म ऑफ सस्पेंशन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं डुअल शॉक से। तो इसकी कंफर्ट जो उस बाइक से मुझे बहुत बेहतर लगती है, और हैंडलिंग हैंडलिंग भी उस बाइक से ज़्यादा अच्छी है। उस बाइक का जो हैंडल का कट था वो बड़ा था, उस बाइक को अगर आपने मोड़ना है तो आपको वो ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी। इसका हैंडल कट थोड़ा छोटा है जी, इसका हैंडल कट छोटा है, ये जल्दी मुड़ जाता है बाइक, और रश में जितना हमारे रोड पे रश ज़्यादा होता है ये बाइक बहुत आराम से रश में से निकल जाता है। उतना ही आसानी से जितना वो वेगो था या वेगो को वेगो रश में से निकालते हुए मुझे डिफिकल्टी होती थी, इसको नहीं होती डिफिकल्टी। 125 से वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता, बट आप यूँ समझ लें जिस तरह 125 निकल जाता है रास्ते सेम, ये इसी तरह ये भी निकल जाता है। इसका वेट 2 125 से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये परेशान नहीं करता, इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है। हैंडलिंग की बात कर रहे हैं तो इसकी टॉप स्पीड क्या है और कितने तक आप लेके गए इसको? बाइक अभी रनिंग में तो मैंने इसको 115 से ज़्यादा नहीं लेके गया, वैसे ये 145 ईजीली चला जाता है। इसकी टॉप स्पीड क्या है जो कंपनी मार्केट करती है? जो कंपनी 145 कह रही है, लेकिन मेरा एक जानने वाला मेरा फ्रेंड है उसने 150 इस बाइक पे किया हुआ।
अच्छा, इसकी अभी तो आपने खैर 500 किलोमीटर चलाया, बट आप काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड है, तो आपने रिसर्च काफ़ी की होगी, इसकी रिलायबिलिटी कैसी है, इसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं लोगों को जिन्होंने लिए हुए? मैंने तकरीबन एक माह रिसर्च की थी इसको लेने से पहले, और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ देखे थे, डिफरेंट कंट्रीज़ के देखे थे। मुझे किसी भी रिव्यू में किसी भी ओनर ने ये नहीं मुझे सुनने को मिला कि बाइक में कोई इशू है। तकरीबन 90-95% पॉजिटिव रिव्यू था इस बाइक के बारे में, और उन्होंने इंजन के बारे में कोई भी इशू बताया नहीं है सच के इंजन इसका कोई इशू करता है। बेनेली कंपनी वैसे अपने इंजन की रिलायबिलिटी के लिए भी बहुत मशहूर है। अच्छा, लेकिन बेनेली खुद तो पाकिस्तान में नहीं है, इसको एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू है, तो जो अगर इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, पूरे पाकिस्तान में आसानी से मिल जाते हैं? जी, अभी बुराक ने इसको लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तीन शहरों में लॉन्च करवाया है, वहाँ पे इनके शोरूम भी है और सर्विस सेंटर भी हैं और पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, और अगर कोई ऐसा रियर पार्ट आपको ख़राब हो भी जाए तो वो 10 to 15 days में अवेलेबल करवा देते। अभी तक तो आपको तो होपफुली कोई मसला नहीं? अभी तक तो ऐसा कोई नहीं। एक मेरा बोल्ट ज़रूर टूटा था मुझे से ज़्यादा टाइट करते हुए, वो भी उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे प्रोवाइड करवा दिया, वो थोड़ा रियर बोल्ट था, कोई आम बोल्ट नहीं था। अच्छा, यानी कि आपको फ़ौरन पार्ट मिल गया? जी, मुझे अवेलेबल। इसकी जो फ्रीक्वेंट सर्विस, जिस तरह इसके ब्रेक पैड्स हैं या क्या कॉस्ट है, जो आप लास्ट टाइम एक बाइक की जब हमने रिव्यू किया तो आप बता रहे थे कि ऑन एवरेज इतने पैसे लेते हैं चेंज करने के, तो इसकी अगर फ्रीक्वेंट जो पार्ट्स चेंज होंगे, ऑयल चेंज हो गया और इसके अगर ब्रेक पैड्स चेंज होंगे, तो उसकी कॉस्ट का आइडिया है? इसकी ब्रेक पैड्स थोड़े से आम बाइक की नज़र थोड़े से कॉस्टली हैं, क्योंकि इनके ब्रेक पैड ज़रा अच्छी क्वालिटी के बने हुए और ये जल्दी ख़त्म ही नहीं होते, ये तकरीबन आपके आराम से 15,000 to 20,000 किलोमीटर तक चल जाते हैं। डिस्क और पीछे भी डिस्क है, आगे जो है वो डुअल कैलिबर डिस्क प्रोवाइड करवाएगी और पीछे सिंगल कैलिबर डिस्क प्रोवाइड करवाएगी। और ये क्या कॉस्ट होगी इसकी? इसकी अगर खाली ब्रेक पैड्स की बात करें तो अराउंड 2500 to 3500 के अंदर आपको एक पेयर मिलता है। और अगर आप इसे सुजुकी और होंडा के इसी जो सीसी वाली जो होंडा का जो 150 mm है, सिर्फ आपको उसी की प्राइस बता दूँ, वो 3500 का दे रहे हैं ब्रेक पैड, और 250 सीसी का तो बहुत ऊपर होगा, उसकी मैंने प्राइस चेक नहीं की। मार्केट में कितने बाइक इस तरह के अभी आपको नज़र आते हैं और इसकी रीसेल के बारे में आपका ख्याल है? पाकव्हील पे मैंने चेक किया था, इसके ऐड एक दो लगे हुए हैं, और इसकी जो रीसेल है उसके बारे में भी ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बाइक को 1.5 साल ही हुआ है पाकिस्तान में आए हुए, लेकिन इसकी रीसेल अच्छी होगी क्योंकि बाइक की क्वालिटी अच्छी है, रिलायबल है, अच्छी बाइक है, तो इसकी रीसेल भी अच्छी होगी। तो अभी आप कह रहे हैं कि अभी बाइक बहुत नया है मार्केट में, तो अभी रीसेल का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जी, ठीक। सो थैंक यू व्यूअर्स, एक और एपिसोड ऑफ ओनर रिव्यूज़ आपने देखी है, हम और बाइक का भी ओनर रिव्यूज़ करेंगे, शायद जुहेब साहब को भी हम कहें कि वो ओनर रिव्यूज़ शुरू कर दें, इनको बाइक का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स में लिखें, अगर आपका ये बाइक या कोई भी और बाइक लेने का ज़ेहन बन गया तो पाकव्हील्स के यूज्ड बाइक सेक्शन को विज़िट करें, अपनी मर्ज़ी की बाइक सर्च करें और सेलर से कॉन्टैक्ट करके अपनी ड्रीम बाइक को हासिल करें। थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को रिसीव करें, ताकि आप सबसे पहले आपको इस वीडियोस के बारे में पता चले। थैंक यू सुहेब साहब, थैंक यू। थैंक यू सर।